आपके साथ मीनू चौहान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। जयपुर शहर में दिवाली के अवसर पर नहीं है बाजारों में रौनक। जब न्यूज 19 की संवाददाता नीना वर्मा ने व्यापार मंडल से बात की तो उन्होंने बताया कि जीएसटी लगने से व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। ना तो सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम उठा रही है और ना ही सुनवाई। पहले जैसे 25% भी व्यापार सांचों में गरम गरम चाशनी डालकर फिर वापस चीनी को निकालते हैं और जो सांचों में चिपक जाती है उसको फिर खोल कर करते हैं। चीनी की महंगाई को देखते हुए करों पे क्या इफेक्ट पड़ा, असर पड़ा? सेल तो आधी रही गई ना। महंगाई भी समझ लो, लोगों के पास पैसा नहीं है वो भी समझ लो, रोजगार नहीं है वो भी समझ लो। आपका नाम बता दो। मैं पवन अग्रवाल। हमारी ना व्यापार में कुछ कष्ट पड़ा जयपुर में, हालांकि अब लोग जाने क्या मानते, बाकी मेरा कहना है जयपुर में जब से मेट्रो का खुदाई चालू हुई है उस दिन से लेके आज तक, आप त्रिपुरिया बाजार में भी किसी भी व्यापारी से पूछ लो, जयपुर में चौपड़ पे रोजगारेश्वर महादेव जी का मंदिर था और व्यापारी करीब करीब मंदिर जाके आया करता था, और जब से ये रोजगारेश्वर मंदिर का टूटा है तब से लेके आज तक जयपुर शहर का वास्तु मेरे हिसाब से शायद बिगड़ गया। और किसी भी व्यापारी के पास व्यापार वास्तु खराब होने की वजह से और मेट्रो का ही अंडरग्राउंड खुदने की वजह से व्यापार है ही नहीं। मार्केट में बिल्कुल स्लिम हो गया, मार्केट है ही नहीं अंदर। वही व्यापारी मायूस नजर आ रहे हैं। जयपुर से न्यूज 19 की हमारी संवाददाता नीना वर्मा की एक रिपोर्ट।